आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए SSP बबलू कुमार द्वारा शहर गांव में एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत शहर और गांव के प्रत्येक मोहल्ले कॉलोनी में 5 जिम्मेदार व्यक्तियों को चयनित कर कोरोना फाइटर का नाम दिया गया है। ये सभी कोरोना फाइटर अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को पुलिस से साझा करेंगे और मजबूती के साथ लॉकडाउन का पालन भी कराएंगे। ताजनगरी में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन सहित SSP बबलू कुमार भी बेहद चिंतित हैं। SSP द्वारा लगातार जिले में पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही SSP द्वारा ताजनगरी में संक्रमण को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत शहर गाँव के प्रत्येक मोहल्लों कॉलोनी में रहने वाले 5 जिम्मेदार व्यक्तियों को पुलिस द्वारा चयनित किया गया है। इन सभी चयनित जिम्मेदार व्यक्तियों को कोरोना फाइटर का नाम दिया गया है। देखिए, जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन हमारी 22 तारीख से प्रचलित है और जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव कोविड पेशेंट हमें मिले हैं उन सभी जगहों को हमने हॉटस्पॉट चिन्हित किया है। शहर के प्रत्येक मोहल्ले और गांव में और हॉटस्पॉट में प्रभावी ढंग से लॉकडाउन ये चले, इसके लिए हम लोगों ने एक नई पहल यहाँ शुरू की है, जिसमें प्रत्येक मोहल्ले से उन्हीं के मोहल्ले के 5 जिम्मेदार लोगों की एक हमने समूह बनाई है, जिसे कोरोना फाइटर्स का नाम भी दिया है। ये सभी कोरोना फाइटर अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को वैश्विक महामारी से बचाने के लिए मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएंगे। साथ ही लॉकडाउन के चलते क्षेत्रीय लोगों को पड़ने वाली जरूरतों को भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरा करेंगे। इन सभी कोरोना फाइटर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया है। ये फाइटर्स अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था के सुबह शाम के फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। बिल्कुल, इनके द्वारा जो है इन सभी कोरोना फाइटर्स की व्हाट्सएप ग्रुप जो है थाने स्तर पर बनाए गए हैं, क्षेत्र अधिकारी भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं और अपने गलियों की फोटोज जो है सुबह शाम वो डालते हैं। अगर कहीं कोई वायलेशन है उसको भी देते हैं ताकि उन पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। ताजनगरी में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा शुक्रवार को 172 पहुंच चुका है। वहीं 5 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। जिले में 46 हॉटस्पॉट सक्रिय हैं। पुलिस द्वारा इन हॉटस्पॉट एरिया में बैरिकेडिंग कर पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही इन क्षेत्रों में आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों द्वारा इन हॉटस्पॉट एरिया में राशन सामग्री जैसी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही पुलिस इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम इन क्षेत्रों में संक्रमित पाए जाने वाले और उनके टच में आने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जांच की जा रही है। साथ ही उनके सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी में संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से जिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। संदीप शर्मा, सी न्यूज, आगरा।